नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र सिंह। आप देख रहे हैं न्यूज 48। आज हम गिरते हुए शिक्षा के स्तर पर और नैतिक मूल्यों में गिरावट के मुद्दों पर बात करेंगे। पेश है ये खास रिपोर्ट। शिक्षा के स्तर को कैसे सुधारा जाए और नैतिक मूल्यों में गिरावट का जिम्मेदार कौन के मुद्दे पर शिक्षाविदों से आइए दिखाते की गई बातचीत। मेरा नाम ईश्वरदत्त शर्मा है। मैं गोवर्धन मॉडल पब्लिक स्कूल का एज ए मैनेजर हूँ और यहाँ के प्रिंसिपल रिंकी कौशिक हैं और चेयरमैन यहाँ के बलबीर शर्मा जी हैं। मेरे कई सुझाव हैं। एक्चुअली जो हमारा शिक्षा की प्रणाली है उसमें पिछले 10 वर्षों से काफ़ी गिरावट आई है, जिसके जिम्मेदार हमारी सरकार भी है, जिनकी नीतियों की वजह से हमें उसका नुकसान उठाना पड़ रहा है। और उसके सुधारने के लिए सबसे प्राथमिकता जो है वो सरकार की नीतियों की है। वो किस दिशा में हमारी शिक्षा को ले जाना चाहती है उसके हिसाब से फिर हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। उसके लिए प्राथमिकता में सरकार है, दूसरा अभिभावक है, तीसरा आपके जिस अभिभावक की वजह से जो टीचर्स होते हैं वो भी प्रॉपर बच्चों पे ध्यान नहीं दे सकते हैं, क्योंकि आज सरकार ने शिक्षकों के हाथ बांधे हुए हैं। ना वो बच्चों को फेल कर सकते हैं, ना बच्चों को कुछ कह सकते हैं, जिसका गलत फ़ायदा अभिभावक और बच्चे दोनों ही उठा रहे हैं। यौन शिक्षा को करना चाहिए शामिल, हमारे सिलेबस में करना चाहिए। करना इसलिए चाहिए क्योंकि आज के सामाजिक परिवेश को देखते हुए उसकी बहुत ज़रूरत है। जिस हिसाब से आजकल मीडिया में और टीवी चैनल्स में जो चीज़ें दिखाई जा रही हैं, बच्चों को काफ़ी एग्रेसिव कर रहा है दोनों माध्यम में, सेक्सुअल चीज़ों में, यौन में, और आपके नैतिक मूल्यों में भी, तो उसके लिए हमें कक्षा 8वीं से इसका पाठ्यक्रम में शामिल करना चाहिए, क्योंकि उसी के बाद बच्चों में इतनी समझ होती है उसको समझने के लिए, क्योंकि इनकम्प्लीट नॉलेज हमेशा हार्मफुल होती है, वो बच्चों के लिए भी और अभिभावक के लिए। समझना भी ज़रूरी है चीज़ों को। खबरों में इतना ही। देखते रहिए न्यूज 48।